तो हमारे पास है मिवी के ड्यूपॉड्स F30, तो हमने यहाँ पर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए हैं एंड चले जानते हैं कैसे इसकी क्वालिटी, क्या इसकी प्राइसिंग होने वाली है एंड क्या कुछ बॉक्स कंटेंट्स देखने को मिलता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, चलिए चिरफट शुरू करते हैं। तो टिपिकल मिवी का जो ड्यूपॉड्स का बॉक्स होता है F25 के लिए भी सेम था, F30 के लिए भी सेम ही है। तो सिमिलर बॉक्स के साथ सिमिलर बॉक्स कंटेंट्स भी निकल के आते हैं, जिसमें आपको वेलकम कार्ड, वारंटी कार्ड एंड यूजर गाइड मैनुअल देखने को मिलता है। एंड यूजर गाइड मैनुअल जरूर से आप पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मल्टीफंक्शनल बटन्स की देखने को मिलती है। उसको साइड में करने के बाद आपको देखने मिलता है व्हाइट डिब्बे में आपको देखने मिलते हैं मिवी के ड्यूपॉड्स F30 एंड इसका लीड जो है वो मैग्नेट से अटैच है, तो मतलब काफी इजिली ओपन हो जाता है एंड काफी स्मूथली बंद भी हो जाता है। एंड चार्जिंग केस की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा बोल सकते मैट फिनिशिंग सा देखने को मिलता है एंड व्हाइट कलर्स में हमने यहाँ पर ऑर्डर किया, तो यहाँ पर एक ही दिन में थोड़े दाग धब्बे नीचे से लगना चालू हो गए, तो आप उसे पहुंच सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप, मैं प्रीफर करूंगा ब्लैक या फिर रेड में जाइए, क्योंकि व्हाइट में आपके जो है वो ड्यूपॉड्स में भी दाग धब्बे आ सकते हैं एंड ये केस में भी दाग धब्बे आ सकते हैं। मिवी की ब्रांडिंग जरूर से यहाँ पर किए, टाइप सी के चार्जिंग पोर्ट से आप चार्ज जरूर से कर सकते हो। चार्जिंग केबल आपको देखने को मिलती है जो कि ये काफी छोटी है, आप बोल दो 15 सेंटीमीटर का, लेकिन चार्जिंग केबल्स आप बोल सकते हो जो ब्लैक कलर्स में दिए वो गलत काम किया है। व्हाइट कलर का सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है, ईयर पीसेस की टिप्स, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी देखने को मिलते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज आपको साइज प्रोवाइड कर दिए, लेकिन चार्जिंग का केबल आपको ब्लैक में देखने को मिलता है। तो कोई ना यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलता है मिवी के ड्यूपॉड्स F30 दोनों की तरफ लेफ्ट राइट चार्जिंग एंड बीच में एक LED इंडिकेशन दिया है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि केस की चार्जिंग कितनी है। यहाँ पर 4 LED लाइट्स आपको देखने को मिलती है एंड रेड लाइट ब्लिंक करता है जब आपका केस में मिवी ड्यूपॉड्स चार्ज हो रहे होते हैं एंड जब आप उसको अनप्लग करते हो तो आपको रेड एंड व्हाइट कलर्स का कॉम्बिनेशन ब्लिंक होता हुआ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपका डिवाइस जो है वो ऑन हो चुका है एंड पेयरिंग मोड्स पे चला गया है। तो ये है मिवी के ड्यूपॉड्स F30 जो कि काफी बोल सकते हो प्रीमियम प्योर व्हाइट से देखने को मिलते हैं, बट थोड़े स्लिपरी भी है, आपको टच सेंस भी प्रोवाइड कर दिए। कहाँ पर है आपको गेस करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मिवी ब्रांडिंग्स के ऊपर देखने को मिलेगा। काफी रिस्पॉन्सिव टच है एंड जी हाँ, मैं टच रिस्पॉन्स के बारे में बाद में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर प्रीमियम डिजाइन में यहाँ पर आपको फिलहाल तो स्लिपरी लुक देखने मिलता है, आप फर्स्ट टाइम पकड़ोगे तो ध्यान से यहाँ पर फिसल जाएगा। तो डिजाइन में थोड़ा एप्पल पॉड की तरह देखने को मिलते हैं व्हाइट कलर्स में, इसलिए हमने ऑर्डर किया ताकि फील आए थोड़ा एप्पल का। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है, लेफ्ट एंड राइट का यहाँ पर इंडिकेशन प्रोवाइड कर दिए। माइक की बात करें तो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ यहाँ पर माइक्स प्रोवाइड कर दिए, तो लगभग आप बोल सकते हो कॉर्ड माइक्स आपको देखने को मिलते हैं, तो जिसकी मदद से आपको जो है वॉइस क्वालिटी काफी बढ़िया देखने को मिलती है एंड जी हाँ, पर्सनली मैंने यूज किया, वॉइस कॉलिंग क्वालिटी आपको भी सुनने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर अभी बात करते हैं इसके डायनेमिक ड्राइवर्स की, तो कंपनी ने यहाँ पर साइड पे 13 मिलीमीटर डायनेमिक ड्राइवर्स बताए हैं, लेकिन बॉक्स कंटेंट्स में जो है वो 10 मिलीमीटर डायनेमिक ड्राइवर्स कर दिए। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या कौन सही है कौन गलत है पता नहीं, बट इसका साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पर म्यूजिक के लिए आप जरूर से यूज कर सकते हो, बेस क्वालिटी भी काफी दमदार है। यहाँ पर मिवी के बजट सेक्शंस में आपको ये प्राइस में जो देखने को मिलते हैं ड्यूपॉड्स में, काफी बढ़िया बजट में आपको बेस क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी प्लस बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर इसको कोई तोड़ नहीं यहाँ पर फिलहाल। तो बेस क्वालिटी जो है वो यहाँ पर आप बोल सकते हो सप्रेस बेस्ड है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा दबाव है, लेकिन आपको बेस फील जरूर से आने ही वाला है। यहाँ पर मैं पूरा गारंटी देता हूँ, बेस लवर्स के लिए भी यहाँ पर मैं प्रीफर कर सकता हूँ, ये जरूर से आप ले सकते हो, इसमें बेस प्रोवाइड कर दिया है, थोड़ा सा अलग वे में बजेगा लेकिन अच्छा साउंड करता है। जो ट्रेबल की बात करें तो ट्रेबल इतना नहीं है, आपको मोस्टली बेसी सा साउंड सुनाई देगा, बट जो भी बैकग्राउंड नॉइज है या फिर कोई मूवी एंटरटेनमेंट वगैरह देख रहे होंगे तो आपको जरूर से काफी बढ़िया फील आने वाला है। एंड इसकी फिटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर आप इजीली ऐसे प्लग कर सकते हो एंड कितना भी मूव करो, कितना भी जंप करो, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करो, नहीं निकलते ये। स्मॉल मीडियम लार्ज के ईयर टिप्स देखने को मिलते हैं, ईयर टिप्स का जो साइड्स के बॉर्डर्स होते हैं वो यहाँ पर थोड़े सॉफ्ट है, लेकिन बीच का जो पोर्शन है वो स्ट्रांग है, तो प्लग इन प्लग आउट करने के लिए थोड़ा सा आपको बोल सकते मेहनत करनी पड़ेगी। एंड ईयर टिप्स के नीचे आपको देखने को मिलता है जो कि उसकी ग्रिल्स वगैरह है, वहां पर ग्रिल्स नहीं, इसे कॉटन सा कुछ तो चिपका दिया है, वो एक गलत कर दिया है उन्होंने, लेकिन वहां पर ग्रिल्स रहते तो काफी बढ़िया मजा आता, बट उसका फिनिशिंग जो कटिंग्स वगैरह है वो भी थोड़ा प्रॉपर नहीं, थोड़ी सी प्लास्टिक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, बट कोई ना, यहाँ पर साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया है। तो चलिए अभी आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग की टेस्टिंग जरूर से सुना देता हूँ। तो ये जो आप आवाज सुन रहे हो वो है मिवी का ड्यूपॉड F30 जो कि रिसेंटली नया नया लॉन्च हुआ है एंड उसका आप सुन रहे हो कॉल टेस्टिंग, कैसा मेरा आवाज जो सेकंड एंड तक पहुंच रहा है, कैसा रिकॉर्ड हो रहा है। मैं यहाँ पर ओपन एनवायरमेंट में हूँ फिलहाल, तो यहाँ पर बारिश वाला सीजन है तो पूरा शांत है फिलहाल, तो मैं मेरी गैलरी में हूँ।
तो ज्यादा कुछ शोर शराबा है नहीं, तो आवाज कैसे यहाँ पर पहुंच रहा है? मैं यहाँ पर नॉर्मल पिच पे बोल रहा हूँ। अभी यहाँ पर फैन के नीचे जाते हैं, चेक करते हैं कि कितना आवाज कैच हो सकता है नॉइजी कंडीशन में। यहाँ पर विंडी कंडीशन यहाँ पर क्रिएट की है थोड़ी सी हमने, तो आप सुन सकते हो कि नॉइज कैंसिलेशन हो पा रहा है या नहीं, एंड कितना सेकंड तक आवाज जो है वो विंडी कंडीशन में पहुंचता है। तो कुछ इस तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है, काफी बढ़िया है। यहाँ पर विंडी कंडीशंस में भी काफी कमाल काम करता है ये मेवी के ड्यूपॉड्स F30। कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप नॉर्मल पिच पे बोलो तब आपको इजीली कम्युनिकेशन हो पाता है ना बिना कोई डिस्टर्बेंस के। जितना आप धीरे बात करोगे उतना थोड़ा कम्युनिकेशन में थोड़ा गैप आ सकता है। जी हाँ, बैकग्राउंड नॉइज को भी यहाँ पर कैच करता है, बट आपके वॉइस को भी सेकेंड एंड तक पहुंचा देता है। ऐसा नहीं कि आपको नॉइस कैंसिलेशन प्रोवाइड कर दिया, नहीं, यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन देखने को नहीं मिलता। और अभी बात करते हैं टच सेंस क्या काम करते हैं, तो यहाँ पर एक नया फीचर्स ऐड कर दिया है मीवी वालों ने कि तो आप टच सेंस से वॉल्यूम अप एंड डाउन जरूर से कर सकते हो। राइट साइड के एयरफोन्स का अगर आप होल्ड करोगे टच करके तो आपका जो है वॉल्यूम अप होगा, एंड सेम यहाँ पर लेफ्ट को करोगे तो लो हो जाएगा। तो एक इंडिकेशन है यहाँ पर टू टू डू ऐसा साउंड आएगा कि आपका जो है वो वॉल्यूम फुल हो चुका है, एंड जो आप बोल सकते हो डिस्टर्बेंस या फिर गैप है ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका म्यूजिक बैकग्राउंड में प्ले होता रहेगा एंड बीच में वो साउंड आएगा, ठीक है। एंड बाकी के जो भी यहाँ पर इंडिकेशंस होते हैं जैसे कि पावर ऑन कनेक्टेड वगैरह, वो मीवी के कॉमन से आपको जरूर से देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर आपको ब्लूटूथ पेयर इंडिकेटर से सिंगल डिवाइस से आप पेयर कर सकते हो, यहाँ पर डबल पेयरिंग डिवाइस सपोर्ट नहीं है। मैग्नेटिक टिप्स वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलता है, ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स में मैग्नेटिक से यहाँ पर कोई बात ही नहीं बनती। अभी बात करते हैं इसके मल्टी फंक्शन बटन्स की या फिर मल्टी फंक्शन टच सेंस की, तो यहाँ पर मल्टी फंक्शन टच सेंस से आप बहुत कुछ कर सकते हो। कॉल रिसीव कर सकते हो सिंगल टैप से कॉल एंड भी कर सकते हो। आप ऑन गोइंग कॉल को भी होल्ड पे रख के तीसरा कॉल जो है वो कॉल रिसीव कर सकते हो उसका भी। मैं यहाँ पर मल्टी फंक्शन सेंस का पूरा यहाँ पर आपको फीचर्स एक दिखाने वाला हूँ, बट फिलहाल तो एक जनरलाइज फॉर्म आपको बता देता हूँ। जी हाँ, गूगल असिस्टेंट एंड सीरी भी आप एक्सेस कर सकते हो ट्रिपल टैप करने से, एंड म्यूजिक प्ले एंड पॉज कर सकते हो, फॉरवर्ड एंड प्रीवियस टैप जरूर से कर सकते हो। फॉरवर्ड के लिए आपको राइट साइड का टैप करना है, प्रीवियस टैप के लिए लेफ्ट साइड का डबल टैप करना है। तो कुछ ये कॉमन से जेस्चर्स आपको देखने को मिलते हैं मल्टी फंक्शन बटन्स के। लाइट वेट है, ड्यूरेबिलिटी आप बोल सकते हो, काफी देर तक आप इसे पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, एंड ये गिरते भी नहीं। आप मल्टीमीटर का एक्सपीरियंस जरूर से कर सकते हो। तो बैटरी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर अभी तक फिलहाल तो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कल से यूज कर रहा हूँ, तो लगभग 20% का ड्रॉप हुआ है। 3-4 घंटे का यूज किया है तो 20% का ड्रॉप हुआ है, तो अभी तक 80% की बैटरी है फुल। इसका चार्जिंग टेस्ट भी कर लेते हैं एंड एक्चुअल रिजल्ट्स में अगले वाली वीडियोस में बता दूंगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो में मीवी का ड्यूपॉड्स F30 ने एक कमाल का इंप्रेशन जमा दिया है, जो कि एक ड्यूपॉड से एक्सपेक्ट नहीं था। मुझे लगा A25 की तरह रहेगा, बट यहाँ पर A25 को ओवरटेक करने का यहाँ पर मीवी का ड्यूपॉड्स F30 बने हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से प्रोवाइड किए। हमने यहाँ पर 999 रुपीज में ऑर्डर किया था, फिलहाल तो इसकी प्राइस है 1199। एक बार चेकआउट जरूर से करना क्योंकि 999 में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बेस्ट मुझे लगे, यहाँ पर मैं पर्सनल यूज के लिए रखने वाला हूँ इसे, एंड आपको भी एक रिकमेंड करता हूँ मैं। तो कॉन्स मुझे क्या लगे यहाँ पर इसके में, इसमें डायनेमिक ड्राइवर्स 13 मिलीमीटर डायनेमिक ड्राइवर दिए हैं, ऐसा कंपनी का साइट बोलती है, लेकिन बॉक्स पे दिया है 10 मिलीमीटर डायनेमिक ड्राइवर्स। तो कौन सा यहाँ पर ट्रू है कैसे पता चलेगा यहाँ पर पता नहीं चल सकता, बट साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया है। 10 मीटर्स का ब्लूटूथ रेंज आपको प्रोवाइड कर दिया, IPX4 का प्रोटेक्शन भी देखने मिलता है, स्प्लैश प्रूफ, बारिश में भीगो कुछ, आपको जो TWS ईयरफोन्स है वो काफी बढ़िया इवन क्वालिटी में चलने वाला है। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं इसके और भी वीडियोस लाने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।